अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब वीलॉग्स ऑफ यासिर सोहरावर्दी में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आबिद बी बॉय डी एक्स प्रोडक्शन और बहुत ही गर्मी है यार, बड़ी लिया इसने और बकरों ने टक्कर इतनी मारी है इसको। बस यार आज जो है ना बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बन रही है और बकरे भी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं, बड़े प्यारे बकरे हैं लेकिन थोड़े शरारती भी हैं। और खैर फार्म हाउस में आए हुए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। बिन खालिद फार्म है और यहाँ देखें माशाल्लाह बकरों को किस तरह से खाना वाना खिला रहे हैं और बड़ी मेहनत से इन बकरों को पाला जाता है। और फिर बड़ा माशाल्लाह ये बड़े खूबसूरत बड़े बड़े बकरे मौजूद हैं यहाँ पर। बहरहाल थक गए हैं, पसीना भी निकल रहा है, थकन हो गई है और यार मेरी हालत तो बहुत जो है ना डाउन हो रही है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल पानी वानी भी नहीं पिया है। तो पानी है, ठंडा पानी है, ठंडा पानी पियेंगे अभी इंशाल्लाह। बहरहाल आपसे फार्म हाउस बिजी भी पीछे देता खोराक बजोर खोराक गुन वर्ग हाँ माशाल्लाह खूबसूरती खत्म है तो दम मुबशर दस्ता दाला बाफलम सही था दादा मंग यासिर भाई दे नाफा दे कुर्बान द फार्म हाउस बिजी भी मिक्स दी जाओ गोरा माशा सही। बच्चों शोर मचाया, बकरे को छेड़ेंगे बच्चे के पीछे बकरा भागेगा फिर। सही है, फिर वो मैं लेनी है। यार बकरे अच्छे माशाल्लाह सेल के भी हैं। ये आज बकरों के साथ यासिर सरवर्दी नजर आएंगे आप। ये बना रहे हैं बकरा दरख्त पे चढ़ रहा है। ओह यही यासिर भाई एक कलर जैसे नहीं करो ना। अपने शूट के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के लिए गुब्बारे बना रहे हैं और ये कम से कम 3-4 तो फाड़ ही दिए ये सारे जना। ये देखें गुब्बारे मिले भी कम है और ये पंप भी है इसका, तो पंप से भी फुला के दिखाते हैं। अभी पंप से भी फाड़ दिए यार आपने। चलो भाई डी एक्स प्रोडक्शन आबिद बी बॉय के साथ आज मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त शूटिंग होने जा रही है इंशाल्लाह। तो जब ये देखो पंप से बच्ची फुला रही है एक मरतबा फिर पिछले साल वाला कलाम बकरा ईद में जो बच्चियाँ थी वो दोबारा से इंटर हो चुकी हैं कलाम में। बहुत वायरल होने वाला है कलाम और कहीं भी नहीं जाइएगा। ये हमारे फजल भाई हैं, फजल भाई और ये माशाल्लाह बड़ा बकरा चले गए नमाज पढ़ने चले गए माशाल्लाह। और बाकी जो है ना और दोस्त अहबाब भी आए हैं बाहर। फार्म हाउस पे आए हैं। फार्म हाउस का नाम क्या है? बिन खालिद फार्म हाउस। वो उनका वो दिखाए लोगो जान लगा हुआ है, गाड़ी भी खड़ी है वहाँ और लोगो भी दिखा रहे हैं। ये सारी मेहनत करनी पड़ती है, कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती। आबिद भाई सही बात है, कामयाबी के पीछे जो है ना मेहनत है। और देखिए ये गुब्बारे मैंने फुला लिए जैसे तैसे करके। आबिद भाई की भी ज्यारत कराया था मैं आपको। आबिद बी बॉय डी एक्स प्रोडक्शन, आबिद भाई ने ये चश्मा पहन लिया है और ये सल्यूट। वाह आबिद भाई का लुक ही अलग है यार। बस आबिद भाई जब आ जाते हैं तो
ये बत्तख भी ले आए, बत्तख माशाल्लाह कुर्बानी के कलाम में बत्तख। जब से बुला रही है भूली नहीं रहा ये देखो बच्ची बुला रही है पंप से और बार बार उसका जो है ना हवा कम हो रही है उसमें फुल नहीं रहा उसको ना। देखो यार ये लो मम्मा देखते तो पकड़ लो। अरे नहीं उठा लो नहीं वरना ये उड़ जाएगा। लाओ दिखाओ मैं ही फुला लेता हूँ। पंप से अच्छे खुद ही फुला लो। हाँ हाँ ये सही है। ये पकड़ो मैं पकड़ो। ये ले तू झटा बांध। बहुत लेट हो रहा है लेकिन ये उड़ेंगे इसकी दृष्टि डबल करनी है। एक और काम चाचा के पास है। लाओ दो रस्सी का। ये ना कायदे आजम के मजार पर हम गए थे 14 अगस्त की वीडियो के लिए वहाँ पर सारे गुब्बारे उड़ गए थे मुझसे क्योंकि आवाज जो है ना हवा इतनी तेज थी इस रस्सी का काम थोड़ी था इस धागे का। हाँ तो रस्सियों का होता है काम। बोले गुब्बारे की उड़ाई शुरू हुई जो गुब्बारा पाती इसको वो डबल गुब्बारे जो नहीं उठाओ नहीं गुब्बारे नहीं इसमें पहाड़ी दूँ इससे अच्छा बकरों के साथ बत्तख भी है उससे दूर चलो भाई जो अभी जर जर नहीं अंदर बाहर निकल के देना खुली जगह में ये लो भाई चार डबल कर देना साल के खुराक दिन में कितनी दफा देते हैं सुबह गंदम और दिन को सारा दिन घास ऐसे खिलाते हैं दिन में ऐसे घास खिलाते हैं सुबह गंदम शाम गंदम। अच्छा दूध क्या कोई इंजेक्शन करते हैं ये क्या ये जो फूलते हैं ये आपके भराई से जान लेना। अच्छा हाथ के भराई से जान लेना। ये तो पूरा लट्टू है लट्टू। घी कैसे ऐसी डायरेक्ट पिलाते हैं किसी चीज में डाल जाना यार जब पेट भरा हुआ होता है वो अगर जबरदस्ती भी गिराओ खुशहाली की जानवर होता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कैसे आप सब मेरे दोस्तों आज प्रोडक्शन के बारे में क्या बोलेंगे। डीएक्स प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। वीडियोस बहुत अच्छी बनाते हैं और मेरी बहुत सारी बल्कि तकरीबन सारी वीडियोस जो खासकर मेरे चैनल्स पर आ रही हैं वो डीएक्स प्रोडक्शन ही डीओपी करते हैं और आबिद भी बॉय डायरेक्ट करते हैं इसको और बड़ी ज़बरदस्त मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है आबिद भाई के साथ काम करते हुए। आबिद भाई आप माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। थैंक यू थैंक यू। आपको जज़ाए खैर। और आज गर्मी कैसी थी। गर्मी तो बड़ी जो है ना गर्मी में क्या हालत हो गई शूटिंग वीडियो शूटिंग पर वो तो आपको पता ही है पर जब आएगा कलाम तो अच्छा लगेगा। हाँ इंशाल्लाह मेहनत जब होती है ना फिर मज़ा भी आता है यार। सही सही ओके ओके थैंक यू।